नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बा। प्रक्षेप की बात कर रहे थे और प्रक्षेप में आगे देखते हैं। ये वीडियो प्रक्षेप की श्रृंखला में आगे हैं। आपसे निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अब सैमसन प्लेम्स स्टीड का सिग्नोसोइडल ये प्रक्षेप ये देख लेते हैं। इस प्रक्षेप को सर्वप्रथम 1650 में निकोलस सैमसन, कौन सा सैमसन है, निकोलस सैमसन कब 1650 में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार एवं भूगोलवेत्ता ने बनाया था। उसके लगभग 50 वर्ष बाद प्रसिद्ध ब्रिटिश खगोलज्ञ जॉन प्लेम्सिट, यानी दोनों के नाम से सैमसन, एक तो सैमसन हो गया, एक प्ले इंस्टीट्यूट, दोनों के नाम से इसको जाना जाता है ना, इसका प्रयोग किया था। इन दोनों के विद्वानों के नाम से इसे सैमसन प्लेम्स स्ट्रीट का प्रक्षेप कहा जाता है। इस प्रक्षेप की रचना ज्या वर्क वक्रो, यानी कि साइंसकारों से के प्रयोग होने के फलस्वरूप इसे सिनुसोइडल या फिर ज्या वक्री प्रक्षेप भी कहते हैं। ये समक्षेत्र प्रक्षेप है जिसे रचना विधि के अनुसार पर जो है बोन प्रक्षेप का ये विशिष्ट रूप माना जाता है। इस प्रकार से ये बनता है सिनुसोइड मॉडल ये प्रक्षेप। अब सिनुसोइड प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई मापने के अनुसार शुद्ध होती है, अर्थात इसे 2πr के बराबर बनाया जाता था। केंद्रीय मध्यान रेखा की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी अर्थात 2πr दूरी के बराबर होती है। इस प्रक्षेप की रचना मोलिड प्रक्षेप की तुलना में सरल है। एग्जाम्पल दिया है 1:250:60 पीछे मापनी है। प्रसंसार का मानचित्र बनाने के लिए सिनुसोइडल प्रक्षेप की रचना करनी है। इंटरवेल 15 डिग्री है। ये आप निकालेंगे, आर निकालेंगे इसका, कैपिटल आर, तो 2.54 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद भूमध्य रेखा की शुद्ध लंबाई निकालेंगे 15.96 सेंटीमीटर। उसके बाद केंद्रीय मध्यान रेखा की लंबाई निकालेंगे 7.98 सेंटीमीटर आएगा। इस प्रकार से जब आप रचना करेंगे इस रचना विधि के द्वारा, तो एक जो है तो उस तरीके का जो हमने पहले अभी चित्र बताया उस तरीके का बनेगा। रचना विधि जो है इस पर हम रचना पीडीएफ के माध्यम से करवा नहीं सकते। तो बात करते हैं पहचान की। प्रक्षेप में सभी अक्षांश वृत्तों को परस्पर समानांतर एवं समान दूरी के अंतर पर सरल रेखाओं की तरह खींचा जाता है। अक्षांश वृत्तों की लंबाई तथा उनके बीच की दूरी मापने के अनुसार शुद्ध होती है। केंद्रीय मध्यान रेखा एक लंबवत सरल रेखा होती है तथा इसकी लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। शेष सभी देशांतर रेखाएं मिश्रित वर्ग यानी मिक्सड कर्व होती हैं। किसी अक्षांश वृत्त पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरियां परस्पर समान होती हैं। भूमध्य रेखा तथा केंद्रीय मध्यान रेखा को एक ही दूरी के अंतर पर विभाजित किया जाता है। केवल केंद्रीय मध्यान रेखा ही भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। अन्य देशांतर रेखाएं अक्षांश वृत्तों को तिरछा काटती हैं। प्रतिच्छेदन की ये तिरकता भूमध्य रेखा वो केंद्रीय मध्यान रेखा से दूरी बढ़ने के साथ साथ निरंतर बढ़ती जाती है। अब इसके गुणधर्म देखें। गुणधर्म, भूमध्य रेखा सहित प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर मापनी शुद्ध होती है। केंद्रीय मध्यान रेखा पर मापनी शुद्ध होती हैं, परंतु इससे पूर्व पश्चिम दिशा में दूरी बढ़ने के साथ साथ देशांतर रेखाओं की मापनी में वृद्धि होने लगती है। प्रक्षेप के सीमावर्ती भागों में स्थल खंडों की आकृति बहुत अधिक विकृत हो जाती है। ये एक समक्षेत्र प्रक्षेप है। प्रक्षेप पर दिशा शुद्ध प्रदर्शित नहीं होती। यद्यपि इस प्रक्षेप पर संसार का मानचित्र बनाया जा सकता है, परंतु सीमावर्ती भागों में क्षेत्रों की आकृति अत्यधिक विकृत हो जाने के फलस्वरूप इस कार्य के लिए प्राय सिनुसोइड प्रक्षेप का उपयोग नहीं किया जाता। मोलिड प्रक्षेप में सिनुसोइडल प्रक्षेप की अपेक्षा आकृति कम विकृत होती है। अतः सिनुसोइडल प्रक्षेप की तुलना में मोलिड प्रक्षेप पर संसार का मानचित्र अच्छा बनता है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित अपेक्षाकृत कम पूर्व पश्चिम विस्तार वाले महाद्वीप अर्थात अफ्रीका दक्षिण अमेरिका के समक्षेत्र मानचित्र बनाने के लिए सिनुसोइडल प्रक्षेप बहुत उपयोगी हैं। ये बात ही प्रक्षेपों के वीडियो पूरे होते हैं। इससे पहले जो प्रक्षेपों की रचना के प्रकार हैं, उद्देश्य हैं और उससे संबंधित जो मौखिक सवाल बनते थे वो हमने पहले एक वीडियो में डाल चुके हैं, पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे बढ़ाएं, प्यार अपना ऐसे ही बनाए रखें, प्लेलिस्ट को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।